तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और सोने की हम तैयारी कर रहे हैं। डिनर हमने कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे नीलम भी बैठी है, मोबाइल पे लगी है, और बच्चे यहाँ सोने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी तुम मोबाइल पे लगे मुझे जरूरी है ऐसे बोलना। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गगन जोशी अपने नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। सुबह के बज चुके हैं 8 और कल रात तो बहुत भयंकर बारिश हुई, बिजली बहुत कड़क रही थी यार। और अब आइए धूप और बच्चे भी स्कूल के तैयार हो चुके हैं और आंगन में ना पत्ते पत्ते हो रखे हैं आम के। अभी नीलम लगा रही है झाड़ू। और कल रात 1 बजे हम गए थे खेत में क्योंकि वहाँ आ गया था भयंकर वाला बैल। तो पुष्पिंदर का फोन आया तो पुष्पिंदर और मैं गए थे उसको भगाने। और यहाँ पे देखिए कानू भी आ गया। कानू क्या हाल है बेटा, तैयार हो गया स्कूल के लिए? बहुत मुश्किल से तैयार है, रो रहा था बहुत ज्यादा। और खुशी भी आ गई। खुशी क्या लेके आई बेटा? कॉफी। कॉफी, अरे वाह, थैंक यू बेटा, बड़े अच्छे हो यार। हम तो एक पक्षी तो कर ही देता हूँ ये देखो। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या नया होगा, फिलहाल कॉफी पी लेते हैं। और नीलम लगा रही थी यहाँ झाड़ू, ये देखिए पत्ते और मम्मी कर रही है आज वहाँ पे। देखिए कार साफ, सब लगे हैं अपने अपने काम में, मैं भी काम में लगा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ देखो। फिर ये लोग कहते हैं अब ये नीलम कैच कर लिया, कैच कर लिया यार, वेरी गुड बाय। इनके आगे स्कूल बस, चलो आराम से, बाय बच्चों, बाय। और ये देखिए सुबह सुबह के हो रहे काम, नीलम यहाँ लगा रही है झाड़ू आंगन में क्योंकि बहुत सारे पत्ते हो गए रात को। ये देखिए आंधी तूफान जैसा आया था, बिजली वो भी हुआ था क्या, ओले पड़े थे क्या मम्मी? और मम्मी यहाँ बैठी है, ये देखो ओले पड़े थे कह रही, पता नहीं देखा था तूने, ओले पड़े थे, खाली बोल रही है। खाली क्यों बोलूंगी, जब ओले पड़े तो पड़े। देखा था? हाँ। नहीं देखा था, आवाज से कह रही है, सही बता। ओले पड़े थे। मम्मी इसको उठ कहा तो उठ के आप मम्मी के पास जाके बैठ गया ये। जा, जा। ये देखो आगे ते आ जाता है, बहुत अच्छा है वैसे ये रोबो। अब क्या बोल रहा है, कोई काम है? छत में जा जा, जा छत में जा जा, ऊपर 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 छत में जा सीधे, हाँ वेरी गुड, सीधे ऊपर जा। और ये देखिए यहाँ पे चिड़ियाएं रोज अंदर आ जाती हैं बरामदे में और घूम फिर के फिर चले जाती हैं बाहर को ये। तो दोस्तों मैं नहा धो के तैयार हो गया ऑफिस के लिए और यहाँ खाना भी आ गया है तो खाना खा लेते हैं। और आज देखिए मेरी ड्रेस ये है क्योंकि आज मुझे जाना है एक शादी में, रात को शादी है, दिन में महिला संगीत है। तो रात को जाने का तो प्रोग्राम नहीं बन पाएगा, तो दिन में महिला संगीत में होके आ जाऊँगा। तो क्योंकि हमारे ऑफिस के पड़ोस में ही घर है ना उनका, जिनके यहाँ शादी है तो जाना जरूरी है। तो खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस को। तो दोस्तों 3:30 हो चुका है तो चलते हैं यार, महिला संगीत में जाना है, पड़ोस में शादी है, यहाँ पे पड़ोस में ही घर है उनका, तो वेंकट हॉल में शादी रखी है उन्होंने, बेटी की शादी है। और रात को आएगी उनकी बारात, तो यार बारात में जाना तो रात को मुश्किल जाता है। तो अभी जाते हैं महिला संगीत में होके आते हैं, और मतलब हम आए थे अपनी अटेंडेंस लगा के आते हैं वहाँ, है ना, आना जरूरी है, जाना जरूरी है, मतलब जब कोई निमंत्रण रहता है तो कोशिश करनी चाहिए कि जाना जरूरी है। तो चलते हैं होके आते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का थोड़ा सा सीन। दोस्तों महिला संगीत से होके आ गया हूँ तो चलते हैं ऑफिस को। तो दोस्तों आज मैं घर नहीं गया ना, दिन में पानी लेने, नहीं तो मैं घर जाता तो पानी लेके आता हूँ, तो मैंने यहीं पानी बॉईल कर लिया और अब मैं इसको पी रहा हूँ।
तो दोस्तों 6:30 से ज्यादा टाइम हो गया शाम का और मैंने अपना बैग टांग लिया, तो चलते हैं अब घर को। दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं और ये देखिए काना है और खुशी ना, आज जाना है इन्हें बर्थडे में। तो किसके बर्थडे में जाना है? दीपांशु। दीपांशु के बर्थडे में, काना का दोस्त है दीपांशु, वहां जाना है इसने बर्थडे में। तो तुम लोग तैयार हो जाओ फटाफट। है आज ना घर आके मैंने कान के संग स्कूल से ही प्रैंक किया प्रिया, और मैंने कान के संग मिलके प्रैंक किया। ये मैं गई, मैंने देखा इसका किट बाहर है, मैंने बोला सजा देने के लिए इसको, मैं अभी इसका किट छुपाते हैं, मिलके प्रिया के बैग में डाल दिया। हाँ ये घर आके, अरे मेरा किट खो गया, मेरा किट खो गया, लगा रखिए जब इसको रेस में मिला था ये मैंने खो दिया, तो मेरी क्या गलती है, तेरी तो गलती है ना। फिर ये बाद में दिया था, रोना ऐसा बोल रहे तो दोस्तों ये है मेरा दोस्त नवीन और इसका बेटा ये है दीपांशु, आज बर्थडे बॉय दीपांशु। हैप्पी बर्थडे दीपांशु। थैंक यू। ये देखो कानू भी खड़ा है साथ में, खुशी भी खड़ी, और बच्चे आने वाले हैं, अभी हो रही है तैयारी केक काटने की। तो यहाँ पे देखिए दीपांशु का केक कटने की तैयारी हो गई है। और आज खास बात यह है कि जो हमारी भाभी है दीपांशु की मम्मी, इनका ही बर्थडे है आज, क्यों तो सबको दोनों को हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। ये देखो और बच्चे यहाँ तैयार हैं, और ये दीपांशु का भाई छोटा वंश है। वंश, ये देखो ये तो बड़ा खतरनाक है यार ये पीछे पड़ जाता है मेरे हाँ अरे पहले से पता है मुझे। और सब बच्चे आए हैं अड़ोस पड़ोस के, ये देखो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दीपांशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राधा। आला फोड़ दो अब, गजब। आप देखिए कानू और खुशी भी खिला रहे हैं दीपांशु को। दीपांशु बाय बाय, चलो चलो बाय सभी को, बाय बाय। और दोस्तों ये देखिए खुशी लेके आई है रोबकले बिस्किट वहाँ से, ये ले, अरे गिरा दिया, चलो बैठो। और आ गए हम घर, और कानू लेके आया वहाँ से बैलून अपने दोस्त से मांग के, ये देखिए ये खेल रहा है बैलून से। और ये देखिए दोस्तों वहाँ पे नवीन की मम्मी ने, जो हमारी दीदी लगती हैं, उन्होंने देखो अम्मा के लिए मतलब अपनी बुआ के लिए भेजा है, मम्मी के लिए ये पूरा आइटम, पता है शुगर है तब भी। और ये आइटम किसके लिए है? ये तुम्हारे लिए है। दोस्तों डिनर हो गया तैयार, तो आज प्याज के पत्ते और आलू की सब्जी है, और बड़ी और आलू की सब्जी है, आलू न्यूट्रेला और रोटी है, तो कर लेते हैं डिनर। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और सोने की हम तैयारी कर रहे हैं, डिनर हमने कर लिया। ये देखिए यहाँ पे नीलम भी बैठी है, मोबाइल पे लगी है, और बच्चे यहाँ सोने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी दोनों मोबाइल पे लगे मुझे जरूरी है ऐसे बोलना, हमेशा तो मोबाइल पे लगी है। तो मोबाइल पे तो लगी है, जरूरी ऐसा बोलना क्या? अरे तो मोबाइल पे तो लगी है, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मोबाइल पे लगी है। इस टाइम पे वीडियो बनाते हो आप, कौन से 8 बजे रोटी बनाते हो, जब आप ही कहते हैं नीलम अभी रोटी बना रही है, वीडियो एंड करना है तो मतलब जब भी बनाता तो मोबाइल पे लगी रहती है ना ये मैं कह रहा हूँ। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब आप वीडियो एंड करते हो तो आप सोने के लिए आए रहते हो। हाँ तभी तो, तो दोस्तों 10 बज चुके हैं और डिनर हमने कर लिया था, तो अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, और नीलम देखो मोबाइल पे लगी है, छुपा रखा है कंबल के अंदर, इससे छुपा रखा है, झगड़ा करके मजा आ रहा है, छुपा रखा ना इसने, है ना छुपा रखा पापा, छुपा रखा मेरे कौन से एग्जाम चल रहे हैं जो मोबाइल छुपा के रखी है। मम्मी बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। क्या करके लड़ाई करके झगड़ा करके? हम कहाँ लड़ाई कर रहे हैं, हम तो वैसे कह रहे हैं आपको लड़ाई करके कैसा लग रहा है बताइए। चलो करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। और ये देखो मोबाइल पे लगी है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 2:30, अभी तक मैं एडिटिंग कर रहा था, तो एडिटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, और अब मुझे थोड़ा भूख लग गई, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना चुका हूँ कॉफी, तो कॉफी से पहले मैं पीऊंगा पानी, और मेरी आदत है यार मैं कॉफी और चाय से पहले ना पानी जरूर पीता हूँ, तो आप लोग भी देखना अगर कॉफी पी रहे हैं चाय पी रहे हैं तो थोड़ा अगर पहले पानी पी लेना 2 मिनट पहले तो बहुत अच्छा रहता है। तो करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।